सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पावनी से पाठ चार अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है, अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो, उसके बाद जो चिन्ह लगा है वह बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जो कि यह दर्शा रहा है कि अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो क्या होता, विस्मय, आश्चर्य। तो बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है, उससे हमें यह जानना है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो किसके जीवन में क्या ऐसा होता है कि वह ऐसा कह रहा है। तो बच्चों, चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो, जैसा कि इस पाठ का नाम है बच्चों, यह एक संस्मरण है, याद। संस्मरण का अर्थ होता है याद। यह लेखक ने अपने बचपन के दिनों की यादों को यहाँ पर साझा किया है, बताया है कि किस तरह से उनके बचपन के दिन कैसे थे और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें इस पाठ के लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पाठ को किसने लिखा या किस लेखक की यादें हैं। तो चलिए इस पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय। मनोहर चमोली। मनु का जन्म 1 अगस्त 1973 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने बाल साहित्य, कहानियाँ, संस्मरण, लेख, व्यंग्य, डायरी विधा में लेखन किया है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, ऐसे बदली नाक की नत, पुछेरी, सवाल 10 रुपए का, उत्तराखंड की लोक कथाएँ आदि। इन्हें सन 2000 में साक्षरता सम्मान, सन 2011 में प्रताप नारायण मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना किस पाठ के लेखक का नाम है, मनोहर चमोली मनु। बच्चों, लेखक ने अपने जीवन की, बचपन की यादों को यहाँ पर बताया है और पाठ का नाम रखा है कि अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। तो चलिए इस पाठ को पढ़ें और समझें कि किनके लिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक ऐसा रखा है। बचपन के मित्रों, सहपाठियों के साथ कई बार व्यक्ति एक ऐसी डगर पर चल पड़ता है जिसका उसे पता ही नहीं होता कि वह उसे कहाँ ले जाएगी। तभी अचानक एक दिन कोई ऐसी घटना घटती है कि व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने बचपन के दिनों और विशेष रूप से उस दिन को याद किया है जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे एक बिगड़े छात्र से कक्षा के गंभीर छात्र बनकर आखिर में अध्यापक बन गए। आइए यह रोचक संस्मरण पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कैसे बचपन के मित्र और सहपाठियों के साथ कई बार हम ऐसी डगर पर, ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जिसके अंजाम का हमें पता नहीं चलता है। लेकिन लेखक के साथ यहाँ ऐसा होता है कि अचानक उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि लेखक का पूरा जीवन बदल जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन के संस्मरण को बताया है, उस दिन को याद किया है। चलिए इस पाठ को पढ़ा जाए और समझा जाए। मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली थी।
हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उनका उस एक दिन स्कूल न आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब वह छोटे से कक्षा 1 से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जब शुरुआत की तो उनके दो दोस्त बने, अजीत और खजा, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले मित्रों को सहपाठी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि जब वो कक्षा 1 में गए तो उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता दो लड़कों से हुई जिनका नाम अजीत और खजान था। और इस तरह से लेखक की दोस्ती एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक थी। फिर ये तीनों लोग कक्षा 6 में गए, ये लोग दोस्त बन गए थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वे दोनों दोस्त, लेखक के दोनों दोस्त अजीत और खजान, उस दिन स्कूल नहीं आते हैं। उनका उस एक दिन स्कूल ना आना, बस एक दिन जब वे स्कूल नहीं आते हैं, तो लेखक के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। वह बदलाव क्या आते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। आज सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। यहाँ पर लेखक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, वे ही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ, वे ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ, उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की मिठास आज भी जैसे जीभ पर लगी हो, मानो ताजा हो। बच्चों, जो हमारा बचपना होता है उसमें हम अबोध होते हैं, हम बस मित्रता कर लेते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे जो मित्र हैं वे हमें किस राह पर ले जा रहे हैं। लेखक के साथ भी यही हुआ, उन्होंने मित्रता कर लिया और अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक में उनके दिन व्यतीत होने लगे। लेकिन कभी कभी बच्चों मित्रता घातक भी हो जाती है। लेखक के साथ भी यही हुआ, जो उनके मित्र थे वह उन्हें अच्छी राह पर नहीं लेकर जा रहे थे। और जब वे दोनों मित्र एक दिन स्कूल नहीं आते हैं तो उस एक दिन स्कूल नहीं आने से लेखक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेखक आज भी उन्हें याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर वे उस दिन आते तो शायद आज लेखक जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इस कहानी को, इस संस्मरण को। अजीत का रंग गोरा था, वह औसत से अधिक मोटा था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिकना था। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता। वह अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता। खजान का रंग काला था, खजान का कद औसत से अधिक लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सिर भी सबसे बड़ा था। खजान की आंखें औसत से अधिक बड़ी थीं। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता और स्वयं अनजान बना रहता। यहाँ पर लेखक ने अपने दोनों मित्रों के बारे में बताया है, उनके रंग रूप के बारे में बताया है, उनके व्यवहार के बारे में बताया है। अजीत रंग का गोरा था और बहुत ज़्यादा मोटा था और छोटा था, क्लास में सबसे ठिगना था और हमेशा लड़ने भिड़ने को तैयार रहता था। अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता भी रहता था।
वहीं खजान का रंग काला था। खजान का कद औसत से अधिक लंबा था, मतलब खजान लंबा था, बहुत लंबा। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसके उसका सिर भी सबसे बड़ा था। आंखें बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। सिर बड़ा होने कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता था और स्वयं अनजान बना रहता। तो यहाँ पर जो दोनों मित्र थे, वे दोनों बहुत ज़्यादा ही शरारती बच्चे थे। लेखक ने अपने बारे में बताया है, मैं सांवला हूँ, मैं दब्बू था, शर्मीला और अंतर्मुखी था। कक्षा में शायद ही किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो, तब भी जब जवाब ही मुझे पता होता था। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक जो थे वो शर्मीले थे और अंतर्मुखी थे और दब्बू थे। वह आगे आना पसंद नहीं करते थे और इसलिए वह जवाब आते ही भी कक्षा में उसका उत्तर नहीं देते थे। प्रातःकालीन सभा में गतिविधियां कराने का साहस मैं कभी नहीं बटोर पाया। सुबह जब कक्षा में स्कूल में प्रेयर होता था तो वह उन गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते थे। अध्यापकों के सामने जाने की बजाय मैं कहीं छिप जाना बेहतर समझता था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वह जल्दी किसी भी अध्यापक की नज़र में आना नहीं चाहते थे। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्म तिथियाँ कभी याद नहीं रहीं। भूगोल और इतिहास तो कभी भी समझ नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस भी नहीं कर पाया। न ही मैंने कभी श्याम पट पर जाकर आम, केला, संतरा बनाया। यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि लेखक जो थे दब्बू थे, अंतर्मुखी थे और अध्यापकों के सामने उनको आना अच्छा नहीं लगता था। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। भूगोल और इतिहास में भी उनकी रुचि नहीं थी। बस उन्हें चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना अच्छा लगता था। उन्होंने कभी भी कक्षा में खड़े होकर कोई पाठ भी नहीं पढ़ा और न ही श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर जाकर उन्होंने आम, केला, संतरा किसी का चित्र बनाया। तो लेखक ने अपने बारे में बताया कि लेखक भी जो थे वो हमेशा उन्हें छिपे रहने में अच्छा लगता था, वो अपने आप को आगे प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। हम तीनों बेमेल थे, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हम तीनों बेमेल थे, फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों से अंडों को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता। हमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। ये लोग एक दूसरे के विपरीत थे, फिर भी इनमें दोस्ती थी। ये लोग एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल से घर लौटते थे, खाली वक्त पर में घूमते टहलते थे और छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाते थे। वहाँ भी जाकर ये पक्षियों के घोंसलों को खोजते थे, घोंसलों से अंडों को निकालते थे और घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठा लेते थे। इस तरह से इन्हें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। ये लोग मौज मस्ती शरारत में अपना दिन बिता रहे थे। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू नचाने वाले और दवा बेचने वालों के तमाशों में हम सबसे आगे खड़े रहते। इन्हें मौज मस्ती करना, मदारी के खेल देखना, बंदर, भालू नचाने वालों और दवा बेचने वालों के तमाशों में इन्हें बहुत आनंद आता था। स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। 10-12 गाँव के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर में सबसे पहले निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते।
अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। लेखक ने बताया कि स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। बच्चों, पहले बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर दूर विद्यालय रहते थे, बच्चों को बहुत दूरी तय करके विद्यालय में पढ़ने जाना होता था। लेखक ने भी यहाँ पर यही बताया है। 10-12 गांव के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। लेखक को अपने स्कूल जाने के लिए 1 घंटा पैदल जाना पड़ता था, तब वह स्कूल पहुँचते थे। इसलिए ये लोग घर से पहले ही निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुँचते। रास्ते भर ये लोग बहुत मस्ती करते हुए जाते थे और देर में पहुँचते थे। अक्सर स्कूल तब पहुँचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी, जब सुबह का प्रेयर हो जाता था तब ये विद्यालय पहुँचते थे। स्कूल के कक्षा कक्ष में 2 दरवाजे होते थे। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना शुरू करते थे, उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव कक्षा में घुस जाते। इसी तरह चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा हमने शायद ही कभी सुना हो। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बहुत बाद में जाते थे और पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे, और जब अध्यापक का चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ रहता तब ये चुपके से कक्षा में घुस जाते थे और उसी तरह से चुपचाप बाहर भी निकल जाते थे। इन्हें छुट्टी से कोई मतलब नहीं रहता था क्योंकि यह छुट्टी होने के पहले भी निकल जाते थे। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते, मतलब सबसे पीछे बैठते। हम तीनों कक्षा में होते हुए भी न होने के समान थे। हमारी बेसिर पैर की बातें थीं कि कभी ख़त्म ही न होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी। हम तभी जान पाते थे कि एक पीरियड खत्म हो गया है। हमने कभी यह जानने सुनने की कोशिश ही नहीं कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये लोग पीछे बैठते थे और ये लोग कक्षा में होते हुए भी न होने के समान थे। ये अब हमेशा अपनी बेसिर पैर की बातों में मग्न रहते, जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं होता था। और इन्हें कब पता चलता था कि एक शिक्षक गए और दूसरे शिक्षक आए? जब कक्षा में बच्चे खड़े होते थे और कक्षा में हलचल मच जाती थी। ये कभी नहीं जानना सुनना चाहते थे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। कई बार छुट्टी की घोषणा हो जाती थी लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चले जाते। ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया गया। अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता, सीटी बजाकर संकेत देता कि आज स्कूल जाना है। सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम तैयार होते। सीटी बजाने का तरीका भी तय था, एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, ताकि कभी कोई गलत फहमी न हो। ये लोग छुट्टी के पहले ही निकल जाते थे तो इसलिए इनको पता ही नहीं चलता था कि छुट्टी हो गई है स्कूल में, कल छुट्टी है कि नहीं है, कभी कभी इनको पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए ये लोग एक नियम बनाए थे कि इनमें से लोग क्या करते थे कि कोई एक सुबह जब बच्चों को देख लेता था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब ये लोग सीटी बजा कर एक दूसरे को इशारा करते थे और इस तरह से इन्हें पता रहता था कि आज स्कूल जाना है कि आज नहीं जाना है। एक सुबह की बात है, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सूरज खिड़की से भीतर झांक रहा था। मैंने नित्य कर्म फटाफट निपटाए, बस्ता कांधे पर रखा, तेज कदमों से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते स्कूल पहुँचा, कक्षा में झाँका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। लेखक बता रहे हैं कि एक सुबह की बात है, मतलब सुबह जब ये उठे तो हड़बड़ा कर उठे, सूरज खिड़की से भीतर झांक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह हो गई थी। तो लेखक ने जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को निपटाया, बस्ता कंधे पर रखा और जल्दी से तेज कदमों से ये स्कूल की ओर दौड़े और हाँफते हाँफते
स्कूल पहुंच गए। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। आज उनके दोनों दोस्त मित्र स्कूल नहीं आए थे। तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए? मैं क्लास में जाकर क्या करूंगा? यह सोचकर मैं वापस लौटने लगा। तभी ऐ लड़के कहाँ जा रहा है, कौन सी क्लास का है? यह प्रिंसिपल सर की आवाज़ थी। तो तभी प्रिंसिपल सर ने लेखक को देख लिया और इन्हें टोका कि कहाँ जा रहे हो, कौन सी क्लास के हो। मैं जानता था यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो जोर से कान उमेटेंगे। मैंने आओ देखा न ताओ दौड़ा और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुआ की कहानी सुना रहे थे। पहली बार मैं किसी अध्यापक की बात को गौर से सुन रहा था। पहली बार मैंने समूची कक्षा को निहारा तो मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मौन साधे अध्यापक को गौर से सुन रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, अच्छा बताओ कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीत कैसे गया? तो जब इनके दोनों मित्र नहीं उस दिन आए और प्रिंसिपल सर के डर से इन्हें कक्षा में बैठना पड़ा, तब इन्होंने ध्यान से अध्यापक की बातों को सुना, पूरी कक्षा को अच्छे से निहारा और तब उन्हें हर चीज़ अच्छे से समझ में आने लगा। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुआ की कहानी सुना रहे थे। सभी इनके साथ पढ़ने वाले मित्र बातों को सुन रहे थे अध्यापक की। और कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक पूछे कि अच्छा बताओ कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीत कैसे गया? पहली बार लेखक ने यह सब महसूस किया। कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे, सहपाठी भी तत्परता से उत्तर देते रहे। हर बार मैंने सोचा यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने श्यामपट पर लिखा, कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखिए। तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने कनखियों से देखा कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। जो जवाब मैं सोच रहा था वह भी लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी पर लिख रहा था। लेखक ने पहली बार महसूस किया कि जो बातें पूछी जा रही हैं वह लेखक को भी आ रहा है। और बगल के सहपाठी ने इन्हें अपने पास बुलाया। उसकी राइटिंग, हस्तलेख राइटिंग को कहा जाता है, जो कि बहुत सुंदर थी। और जो जवाब वह लेखक सोच रहे थे वह भी वैसा ही जवाब अपनी कॉपी में लिख रहा था। मध्यांतर हुआ, सब अपने अपने सहपाठियों के साथ अपना टिफिन साझा कर रहे थे। मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजान और अजीत के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ सहपाठियों ने मुझे इशारे से बुलाया, मैं चला गया। भूख तो लगी ही थी, सबने अपने टिफिन से मुझे कुछ न कुछ खाने को दिया। खाना खाने के बाद अब हम एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। जब इंटरवल हुआ मध्यांतर, तो सभी सहपाठी अपना अपना टिफिन एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, बांट रहे थे। लेखक चुपचाप उन्हीं दोनों दोस्तों के बारे में सोच रहे थे। तभी कुछ अन्य साथ पढ़ने वाले इनके मित्रों ने इन्हें अपने पास बुलाया और भी ये गए। इनको भूख लगी थी, सबने अपने टिफिन से ने कुछ खाने को भी दिया। और खाना खाने के बाद एक दूसरे का सभी लोग नाम वाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। पांचवी घंटी में दूसरे अध्यापक आए, छठी घंटी में तीसरे और सातवीं घंटी में चौथे अध्यापक आए। मेरी तो धारा ही बदल गई। आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था, सभी अध्यापकों को ध्यान से सुना था, एक एक वाक्य उपयोगी लग रहा था। मैंने सोचा इतने साल इतने दिन कितनी बातें अनसुनी की क्यों। लेखक को आज पहली बार एहसास हुआ
कि लेखक ने अपने बहुत सार बर्बाद कर दिए। पहली बार उन्होंने सभी अध्यापकों की बातों को सुना और सब कुछ उनको आज बहुत उपयोगी लग रहा था। आज पहली बार छुट्टी का घंटा अपने कानों से सुना, धीमे कदमों से घर की ओर लौटा, पहली बार वक्त पर घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, खाना खाया, स्कूल बैग को खाली किया, बैग धोया, सभी किताबों कॉपियों पर अखबारी जिल्द लगाई, अब तक जांची नई गई कॉपियों के पन्ने उल्टे, खुद पर बहुत गुस्सा आया, मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, सवालों से जूझना है, कक्षा में सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है। लेखक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। लेखक ने अपने आप को समझ लिया था बच्चों कि वह बहुत अपना जो समय है वह बर्बाद कर चुके थे और वह आने वाले समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेखक ने मन में ठान लिया कि अब वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बस फिर क्या था, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे, लेकिन कक्षा से बाहर कक्षा में मेरी सीट बदल गई। धीरे धीरे मैं भी कक्षा का गंभीर छात्र बन गया। आज स्वयं अध्यापक हूँ। हर साल नया सत्र आते ही बच्चों को यह किस्सा जरूर सुनाता हूँ। कक्षा में सबसे पीछे बैठे हुए छात्रों से यह कहना नहीं भूलता कि सीट बदलती रहेगी, आज जो आगे बैठे हैं कल वो पीछे बैठेंगे। उस एक दिन से लेखक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेखक ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलू को समझा और उसके बाद लेखक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। अजीत खजान उनके दोस्त बने रहे, लेकिन लेखक ने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा दिया और वे एक अध्यापक बने और अपने विद्यार्थियों को अपने जीवन का यह किस्सा जरूर सुनाते हैं और बताते हैं कि सीट बदलती रहती है, आगे जो बैठे हैं कल वो पीछे भी बैठेंगे। मतलब सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, हर विद्यार्थी आगे जा सकता है। हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे, हर बच्चे की कॉपी जचे, हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है, यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता। तो बच्चों, लेखक आज एक अध्यापक हैं और वह हर बच्चे पर अपनी नज़र रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पीछे बैठने वाले छात्र हैं वो भी एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। इसलिए लेखक हर बच्चे की कॉपी चेक करते हैं और हर बच्चे को बोलने का मौका देते हैं और अपने वो दोनों मित्रों को भी याद करते हैं कि अगर वे उस दिन आए रहते तो शायद आज लेखक एक अध्यापक नहीं बन पाते और उनका क्या होता, यही बार बार वह सोचते हैं। तो बच्चों, लेखक के इस संस्मरण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मित्रता करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि अच्छी संगति हमें आगे की ओर ले जाती है और बुरी संगति हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, हमारे जीवन को उद्देश्यहीन कर देती है। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। ठिगना, छोटे कद का। दब्बू, दबकर रहने वाला। अंतर्मुखी, चुपचाप रहकर अपने विषय में सोचने वाला। बेमेल, बिना समानता का। मदारी, सड़क या रास्ते के किनारे तमाशा दिखाने वाला। कक्षा कक्ष, कक्षा का कमरा। समूची, पूरी। निहारा, देखा। मौन, चुप रहना। तत्परता, शीघ्रता। कनखियों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना। मध्यांतर, बीच की छुट्टी।
साझा करना, आपस में बांटना, जूझना, लड़ना, गंभीर छात्र, जिम्मेदार छात्र, सत्र कार्य की नई अवधि। तो बच्चों, इस संस्मरण के द्वारा लेखक ने बहुत ही अच्छी बात हमको बताई है कि हमें मित्रता सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मित्र हमको उन्नति की ओर ले जाता है और एक बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है।